वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है और इसी के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे पर हैं। लुधियाना में सीएम केजरीवाल ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और राज्य की जनता से हेल्थ सेक्टर को लेकर 6 बड़े वादे किए। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की जनता को फ्री बिजली देने का वादा किया था। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की जनता से किए 6 वादे। पहला, पंजाब के हर शख्स को मुफ्त और अच्छा इलाज। दूसरा, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट और ऑपरेशन मुफ्त होंगे। तीसरा, पंजाब के हर व्यक्ति को हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। चौथा, पंजाब के हर पिंड में मोहल्ला क्लिनिक यानी पिंड क्लिनिक खोला जाएगा। पांचवा, सभी सरकारी अस्पतालों को ठीक किया जाएगा, जहां प्राइवेट अस्पताल की तरह इलाज होगा। छठवा, रोड एक्सीडेंट में घायल हुए व्यक्ति के इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी। आपदा को अवसर बनाने में लगे सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि समय आने पर प्रदेश के लिए सीएम के चेहरे का खुलासा किया जाएगा और भगवंत मान को अपना छोटा भाई बताते हुए उन्होंने मीडिया में उनकी नाराजगी की खबरों को गलत बताया। वहीं उन्होंने फिर से चन्नी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने दागी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की है। वहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर केजरीवाल ने साफ कहा कि दिल्ली में बेरोजगारी खत्म हो गई, ऐसा कहना गलत है। हमने कोरोना के बाद ऐप के माध्यम से 10 लाख नौकरी दी। नवजोत सिंह सिद्धू के आम आदमी पार्टी में शामिल होने के सवाल पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये काल्पनिक सवाल है, यदि ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले मीडिया को बताया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि आज बहुत जरूरी गारंटी देने के लिए मैं आया हूँ। यह गारंटी है स्वास्थ्य की गारंटी, अस्पताल की गारंटी। आज पंजाब के अंदर इतना बुरा हाल है कि अगर आप बीमार पड़ जाओ और सरकारी अस्पताल में चले जाओ या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में चले जाओ या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में चले जाओ तो आपको बिल्कुल इलाज नहीं मिलेगा। ऐसे में आपको मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। जिसके पास पैसे होते हैं वह प्राइवेट अस्पताल में चला जाता है और जब प्राइवेट में जाते हैं तो वहाँ पूरी तरह से लूटा जाता है। सरकारी अस्पताल में न डॉक्टर मिलता है, न नर्सें, न मशीनें काम करती हैं। अब ये देखना होगा कि पंजाब की सियासी भूचाल का असर कहाँ तक जाएगा और इस सियासी उबाल का कौन कौन फायदा उठाएगा। न्यूज डेस्क, वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल।